Hello viewers, welcome to our channel Senabhyas. Please subscribe to our channel and press the bell icon for more such online concise classes. These are the answers for the French video, and if you haven't seen that video yet, please click on the link above. Jahan, my name is Rajiv Yadav and welcome to the short and concise lecture series of Modern Indian History on Senabhyas Educational Channel. हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शॉर्ट वीडियोज का एक पूरा सीरीज कंटिन्यू किया है, जिसमें अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी से इंडिया में हमने ये टॉपिक शुरू किया. पहला टॉपिक यही था, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, जिसमें हमने सारी सीरीज से कंपनियां पढ़ी. जैसे पहले हमने पढ़ा पोर्तुगीज, उसके बाद हमने पढ़ा ब्रिटिश, उसके बाद डच, डेनिश एंड देन फ्रांस और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. अभी आगे हम बढ़ते हैं उसी सीरीज में, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. हालांकि जब हम इसी को डिटेल में अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कवर करते हैं तो काफ़ी डिटेल में जाते हैं. यहाँ पे चूंकि वीडियोज हमें बहुत शॉर्ट बनानी है, तो मैं सिर्फ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही उसमें दूंगा और एक कनेक्टिविटी बनी रहे. यानी अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज के बाद अगर हम जाके प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं या फिर अगर हम जाके 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं, तो बीच वाला ये जो गैप है, इस पूरे गैप को फिल करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट से, छोटे छोटे बिंदुओं से मैं उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करूंगा. तो जुड़े रहिए इसी वीडियो के साथ आगे भी, और इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, उन सारे डॉट्स को समझने की कोशिश करिए, ताकि कम से कम समय में मैं आपको वहां तक सही तरीके से पहुंचा पाऊँ. ओके, हमने देखा कि सारी कंपनियां इंडिया आई और इंडिया में स्टे किया. उन्होंने अलग अलग जगह पे अपनी फैक्ट्रियां गठित की, अपनी फैक्ट्रियों का एस्टेब्लिशमेंट किया. उनको फैक्ट्रियों के लगाने के लिए अलग अलग राजाओं से कई बार फरमान जारी कराने पड़ते थे, दस्तक जारी कराने पड़ते थे. तो ये सब रॉयल ऑर्डर्स थे. अब फ्रेंच के बाद, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो किस तरीके से कंटिन्यू करें, तो हम पहली चीज लेके चलते हैं, अलग अलग जो प्रोविंस पहले हुआ करते थे मुगल एम्पायर में, वो सारे के सारे प्रोविंस अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट का रूप लेने लगे हैं. ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, माइटी मुगल एम्पायर, जो बहुत बड़ा एक्सपेंड हो रखा था इंडिया में, बहुत ज्यादा एरिया कवर कर रहा था, वो मुगल एम्पायर के जो गवर्नर्स थे अलग अलग प्रोविंस के, जैसे ही टूटने लगा मुगल साम्राज्य और वीक सक्सेसर्स आने लगे या कमजोर राजा आगे आने वाले समय में 1707 यानी औरंगजेब की डेथ के बाद जो राजा आ रहे थे वो सारे वीक राजा थे. तो इन सब चीजों के मद्देनजर वो सारे बड़े स्ट्रॉन्ग जो प्रोविंसेस, जो सूबा थे, उनके जो गवर्नर थे, जो खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत योग्य थे, वो अब मुगल अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हैं और जो सूबा, जो प्रोविंस उनके अंडर में आता है उसको एक सेपरेट स्टेट का दर्जा देते हैं, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह वो बिहेव करने लगे. दे आर डिफाइंग द मुगल अथॉरिटी एंड दे आर बिहेविंग एज इफ इट इज देयर ओन किंगडम. तो उस सीरीज में कुछ हम प्रांतों के, कुछ सूबों के नाम पढ़ते हैं. जैसे हमने बोला बंगाल, हमने बोला मैसूर, हमने बोला अवध. तो ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. शुरू करते हैं पहला बंगाल से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था. बंगाल में मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, औरंगजेब भी पहले ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए, यानी कस्टम ड्यूटी फ्री करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां ट्रेड करने के लिए परमिशन देता है 1691 में. उसके बाद फारूक सियार 1717 में और ज्यादा कंसेशन ट्रेड में देता है बंगाल में ही. तो बंगाल इज अ वेरी रिच प्रोविंस, वेरी वेरी रिच प्रोविंस. अब हमने एक पॉइंट वहां पे उसका जिक्र किया था कि अगर मुगल जो किंग है, जो मुगल राजा है, वो बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड का फरमान जारी करता है या बंगाल में ट्रेड कंसेशन देता है, तो इससे बंगाल का जो नवाब है उसके रेवेन्यू में बहुत ज्यादा लॉस आएगा, जो कि हो रहा है. एक बड़ा पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757. 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ. किस किसके बीच में हुआ? ये हुआ नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में. ईस्ट इंडिया कंपनी 1756 यानी एक साल पहले सिराज के हाथों हार का सामना कर चुकी है. यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की और फ्रेंच की अपनी अपनी फैक्ट्रीज को बंगाल में फोर्टिफाई करते हैं, अपग्रेड करते हैं और ज्यादा मजबूत करते हैं, ऊंचा उठाते हैं बिना सिराज की परमिशन के, तो सिराज उन पे हमला करता है और कंपनी को खदेड़ देता है. एक गलती जो सिराज करता है वो ये है कि कंपनी
जिनको पूरी तरीके से बंगाल से बाहर नहीं उठा के फेंकता। ओके, तो इस गलती का खामियाजा एक साल बाद उन्हें भुगतना पड़ता है प्लास्टिक युद्ध में। कंपनी अपनी पुरानी नीतियों पे ही आती है और इन नीतियों को और सॉलिडिफाई करती है, यानी फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ही दरबार में कई सारे लोग हैं जिनको प्रलोभन दिया जाता है कंपनी की तरफ से, और इस तरीके की चीजें बताई जाती है, जैसे मीर जाफर हुआ, बाद में मीर कासिम, इनको राजा बनने का प्रलोभन दिया जाता है। यानी कंपनी षड्यंत्र पर टोटली डिपेंड होती है, और ये सारी चीजें हमें यहाँ से शुरू होंगी, कई सारे प्रोविंसेस में देखने को मिलेंगी। ओके, इंटरनल स्ट्राइक क्रिएट करने की कोशिश कंपनी के द्वारा होती है। तो यही हुआ 1757 में, उनके खुद के जनरल सिराज के जो आर्मी चीफ है या सिराज का जो जनरल है मीर जाफर, वो कंपनी का साइड लेता है। इस तरीके से कई सारे लोग हैं जो कंपनी का साइड लेते हैं, यानी षड्यंत्र पे बेस्ड होते हैं। बैटल ऑफ प्लासी, तो कई बुक्स में ऐसा कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी वॉज नेवर रियली फॉट इन द बैटल फील्ड। ओके, सिराजुद्दौला और इसी कंपनी के बीच में बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1757 को। इसमें कंपनी की जीत होती है, सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया जाता है, और जाफर से बहुत सारा पैसा उनकी रेवेन्यू से और कुछ गांव लिए जाते हैं, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। जब ये मांग आगे कंटिन्यू होती रहती है और जाफर ये मांगे पूरी नहीं कर सकता, वो मना करता है, तो उसको वापस हटा के मीर कासिम को बना दिया जाता है। मीर कासिम से भी ये डिमांड कंटिन्यू चलती रहती है। जब मीर कासिम भी अपनी इनेबिलिटी शो करता है कि वो और ज्यादा अपने रेवेन्यू से ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा नहीं दे सकता, तो उसके बाद कासिम को फिर हटा के मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। तो कासिम जो है वो एक आखिरी कोशिश करता है, या फिर हम एक ऐसे बोलें एक कंबाइंड एफर्ट डाला जाता है इंडिया की तरफ से आखिरी बार ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने का, वो है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ती है मीर कासिम से, सुजाउद्दौला से, शाह आलम मुगल किंग है, मुगल एम्परर है, और सुजाउद्दौला ये अवध का राजा है, और मीर कासिम ये बंगाल का नवाब था जो कि अब हटा दिया गया। इसलिए ये तीनों मिलके एक आखिरी बार कंबाइंड एफर्ट डालते हैं कंपनी को हराने के लिए, हालांकि फेल हो जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी वापस से विजयी होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1765 में दीवानी अधिकार कंपनी को मिल जाते हैं। 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कई बुक्स में, जबकि रियलिटी ये है कि ये अधिकार कंपनी को मिल नहीं जाते, कंपनी अधिकार छीनती है, यानी कंपनी दीवानी अधिकार छीन रही है। दीवानी अधिकार होते क्या है, टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड डिसाइड सिविल केसेस, यानी सिविल केसेस डिसाइड करने के अधिकार और रेवेन्यू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार अब किसके पास है, कंपनी के पास। द पॉइंट टू बी नोटेड शुड बी द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल इज नाउ हैविंग पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट द नवाब हैज ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज बट नो पावर। गॉट इट? ओके, तो ये हुआ हमारा बंगाल के प्रोविंस का। अब पढ़ते हैं मैसूर की तरफ, मैसूर में क्या चल रहा था। मैसूर में हम दो बड़े राजाओं के नाम पढ़ते हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर जो है वो मैसूर की आर्मी में एक छोटी पोस्ट पे ऑफिसर तैनात थे, उसके बाद यहाँ से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। जब उनके जो राजा नंजराज है उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ के बाद ये पावर में आते हैं, धीमे 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 बढ़ते हैं अपनी पावर में। ओके, हैदर के बारे में जो काम की चीजें हैं जानने वाली वो क्या है। पहली चीज, हैदर ट्रेन इज आर्मी अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन स्टाइल। यूरोपियन स्टाइल में अपनी सेना को, अपनी आर्मी को ट्रेनिंग देते थे। इन्होंने आर्टिलरी जो हम इंडियन आर्मी में है उसका भी डेवलपमेंट किया। ओके, मैसूर में और ब्रिटिश में दोनों में वॉर होता है, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की बाकी प्रांतों के साथ वॉर कंटिन्यू करती है, वैसे मैसूर के साथ भी होता है। तो ऐसे लगभग 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। पहला एंग्लो मैसूर वॉर होता है, उसमें हैदर अली की डिसाइसिव विक्ट्री होती है। ओके, सेकंड बैटल में हैदर जो है उसको काफी नुकसान होता है। फ्रेंच का एक माही पे एक पोर्ट है, बंदर का माही पोर्ट, वो कब्जा लिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो हल्का सा सेटबैक होता है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो 1782 तक है, इसमें नुकसान होता है
मैसूर को, और इसके बाद मैसूर जो है वो एक बहुत बड़ा योद्धा खो देता है जिसका नाम है हैदर अली। तो हैदर अली की डेथ हो जाती है सेकंड एंग्लो मैसूर के बाद, हैदर डाइड एंड नाउ टीपू सुल्तान बिकेम द एम्परर। ओके, अब टीपू के पास पावर आती है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1789 टू 92 चलता है। इस तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान पावर में आता है और मैसूर जो है वो अपनी सारी की सारी अथॉरिटी लगभग इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में खो देता है। इस युद्ध के बाद कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है और इसका रिजल्ट है ट्रीटी ऑफ श्रीलंका पत्तनम। जो चौथा एंग्लो मैसूर वॉर है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें हैदर अली जो पहले ही सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद इनकी डेथ हो गई थी, और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है। सो टीपू डाइड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है इस एंग्लो मैसूर वॉर के एंड होने से मैसूर जो प्रांत है उसका भी एक तरीके से पूरी तरह पतन हो जाता है, वो भी कंपनी के अंडर में आ जाता है बंगाल की तरह। तो ये थे कुछ शॉर्ट और कंसाइज डिस्क्रिप्शन इन दोनों प्रोविंसेस के बारे में। आगे आने वाले लेक्चर्स में बाकी प्रोविंसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, दिस इज योर एडुकेटर राजीव यादव, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड टू सेना अभ्यास एजुकेशनल चैनल। थैंक यू वेरी मच।